ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं बेटा? फैक्टर्स बहुत बढ़िया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मास ऑफ द अर्थ एंड साइज ऑफ द प्लैनेट स्मॉल जी, कर ले काम पहले, नहीं बाद में बोल लेना, कोई बात नहीं, बोलना भी होता ही है। कुछ नहीं बेटे, फिर क्या हुआ, जितना मर्जी बोलिए, पीरियड के बाद बोलिए। और बच्चों पीरियड के बाद जितना मर्जी बोल लेना, छुट्टी के बाद बोल लेना, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलिए सर, फैक्टर्स आर मास एंड साइज। हाँ जी ठीक है गुड। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्मॉल जी, इनके बारे में डिटेल में बात करनी थी हमने बेटा। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सेकंड लास्ट बच्चा इधर ध्यान दीजिए। आप अपने अर्थ को एज सच बेटा ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिन कर लीजिए ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है। और आप इसके पोलर और इक्वेटोरियल डायामीटर की बात करें, अगर ये आपका बेटे नॉर्थ पोल कहलाता है, आप इसको नॉर्थ पोल एंड इस तरफ आपका साउथ पोल है, ये आपका इक्वेटर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट सर्कल पॉसिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बेटा, दिस इज योर इक्वेटर। सेंटर ऑफ द अर्थ आपने ओ कह दिया, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर इक्वेटर तक का जो सेपरेशन है इसको आप इक्वेटोरियल रेडियस कह देते हैं। एंड सेंटर ऑफ द अर्थ से अप टू द नॉर्थ पोल या साउथ पोल आपका जो डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड पोलर रेडियस, पोल का या एस एच पोलर रेडियस आप कह सकते हो। स्मॉल जी आप ऑलरेडी इसके बराबर डिफाइन कर चुके हो। अब बच्चों नोटिस करने वाली बात या नोट करने वाली बात ये है, आपका जो आर इक्विटोरियल है ये वाला जो रेडियस है ये इस रेडियस से स्लाइटली बड़ा है। आर इक्विटोरियल इज मोर देन आर पोलर, और आर इक्विटोरियल जो है ये बेटे पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर इन लेंथ बड़ा है, मतलब अर्थ इस तरफ टोटल 42 किलोमीटर बड़ी है कंपेयर टू दिस वे, राइट बेटा? इस इंफॉर्मेशन को बेटे हम जी की वैल्यू में यूज करके ये बात साबित करेंगे कि जी की वैल्यू जो है पोल्स पर अलग है, इक्वेटर पे अलग है। सो आइए कंसंट्रेट करें, स्मॉल जी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास ऑफ द प्लेनेट और द अर्थ बेटा। आप अपना एक्सप्रेशन चेक करिएगा, यहाँ पे किसी ने मुझे कॉपी पकड़ाई थी, यहाँ स्मॉल एम लिखा हुआ है, कैपिटल एम होना चाहिए, डिवाइडेड बाई आर रेडियस ऑफ द अर्थ इसका स्केयर। ये चीज यहां तक आप बच्चों ऑलरेडी कर चुके हो। अगर बेटे मैं पोल्स पर जी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे जी निकालूं, तो मैं रेडियस की जगह पर पोलर रेडियस पुट कर दूंगा। मास तो अर्थ का बदलना नहीं है, ना ही कैपिटल जी ने बदल जाना है। आई मीन टू से दैट बेटा एट द पोल्स आपका जी का वैल्यू जो होगा इट विल बी जी इंटू मास ऑफ द अर्थ बेटा डिवाइडेड बाई पोलर रेडियस इसका स्क्वायर। इसको बच्चों मैं इक्वेशन नंबर वन कह देता हूं। ये पी इंडिकेट करता है कि हमने पोलर रेडियस लिया है, रेडियस पोलर या पोलर रेडियस, क्लियर टू यू आर नॉट? हाँ हाँ, क्या कहती है गुड़िया? ओके राइट, तो बेटे इक्वेटर पे आ जाइए अब आप। यस बेटा,
बिल्कुल बिल्कुल, ओ से सेंटर से इक्वेटर तक का रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस, ओ से पोल तक का रेडियस बेटा पोलर रेडियस, राइट। सो आर इक्वेटर अगर आप बेटे बैक साइड पे चले जाओ, जी की वैल्यू एट द इक्वेटर आपको निकालनी है, इट विल बी जी इनटू एम अपॉन आर इक्वेटर, इसका बेटा स्केयर कर देंगे, चेक करिएगा, कोई चेंज नहीं हमने किया, सिर्फ आर की जगह पर आर इक्वेटर लिख दिया और कोई चेंज नहीं किया बेटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर बेटे 2 कह देता हूं, कह दें। अब इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कर दें, जी की वैल्यू पोल पे डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू इक्वेटर पे, इट विल बी जी एम अपॉन आर पोल का स्क्वायर, उल्टा कर दूंगा, आर इक्वेटर का स्क्वायर अपॉन जी एम आएगा। जरा चेक करके बताइए, आर बी जस्टिफाइड इन राइटिंग सो और नॉट? तो कैपिटल जी एम से जी एम कट गया, आपके पास बचा जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर, रेडियस इक्वेटोरियल इसका स्क्वायर, डियर चिल्ड्रन रेडियस पोलर इसका स्क्वायर। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? सीधी सीधी बातें हैं, फिजिक्स बहुत आसान है, लेकिन आप थोड़े रेगुलर होने चाहिए और पंक्चुअल होने चाहिए, क्या कहते हो? कुछ कह गई है गुड़िया? ज्यादा आसान है, बहुत बढ़िया। अच्छा पेपर में मुश्किल होता है, वेरी गुड। हाँ यही तो बात है ना बेटी, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। फिजिक्स होती न्यूमेरिकल्स की है। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इधर इधर जरा देखिएगा, इसको एक्सप्रेशन को मैं जी पोल जी इक्वेटर, इसको आर इक्वेटर आर पोल, बच्चों इसका कंप्लीट स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं 5 को 10 से डिवाइड करूं कितना आएगा? 1/2, उसका स्क्वायर, एक मिनट, लेट मी रिपीट, 1/4। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत 1/4। 1/4 आ जाएगा, ये ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छा बता रहे हैं। ओ एक मिनट, उल्टा क्यों है? सही है, क्यों उल्टा कैसे है? यहीं से तो लिखा है, आप वो डिवाइड कर रहे हो ना, उसको देखो दोबारा। आप जब किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 से बड़ा आता है? वो कौन कह रहा है? मैं बड़े को छोटे से कह रहा हूं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, रिजल्ट 1 से बड़ा आ गया, उसका स्केयर करोगे और बड़ा हो जाएगा। उल्टा आ जाइए, अब छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 1 से कम आएगा, उसका स्केयर करोगे और कम हो जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली से बड़ी है, इन दोनों का रेशो 1 से बड़ा आएगा, उसका स्केयर और बड़ा हो जाएगा। तो आपको अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल वेल, ऑल क्लियर? सच में उसको नहीं क्लियर हुआ? सुनो मेरी बात, मैं पहले इसीलिए एग्जांपल बता रहा था, 10 को आपने 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 काफी बड़ा नंबर है। हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे, थैंक यू। हो गया, अगर हम 5 को 10 से डिवाइड करते 1/2 आ गया, उसका स्क्वायर करें 1/4 आ गया,
1/4.25 होता है, वो और छोटा हो गया। तो ये रेशो है वन से बड़ी, स्केयर और बड़ा हो गया, उसको मैंने बड़ा वन से लिख दिया और कुछ भी नहीं। अरे नहीं भाई, इसको देखो डिवाइड करके, ये किया तो है आपके सामने, चेक करिएगा। हाँ जी, अरे पुत्र बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होने के बाद आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वन से ज्यादा दे देगा, देगा ना, उसका स्केयर और बड़ा हो जाएगा। तो हो गया, ये वन से बड़ा ही लिखा है मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा। क्लियर? डिनोमिनेटर को मैं राइट साइड के ऊपर लेके जा रहा हूं, जरा देखिएगा, जी की वैल्यू पोल्स में इसको उधर ले गए, इज मोर देन जी एट इक्वेटर आ गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पोल्स पर जी की वैल्यू इन कंपैरिजन टू द वैल्यू ऑन द इक्वेटर थोड़ी सी ज्यादा है। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, राइट? सी यू सर। 11 रोल नंबर कुछ कहना चाहता है सर, लेकिन जो आर एट इक्वेटर एंड आर एट पोल्स का स्क्वायर होगा और जो उसकी डिवीजन होगी उसकी वैल्यू वन तो कभी नहीं हो सकती। नहीं, वन से बड़ी होगी ना, इसीलिए बड़ी लिखी है। सर वो बस एक जस्टिफिकेशन है कि हम उसे वन से बड़ा लिख रहे हैं। हाँ जी, जस्टिफिकेशन, यस। ओके सर, बस 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 बस, यस, चलें आगे। क्या वो दो स्टेप हैं, इसमें बड़ा कहां से आ गया? एक को दूसरे से डिवाइड कर लिया और कुछ भी नहीं। उठ जाइए, हैं? शुरू से एंड तक दोबारा आ जाइए, वेरी गुड, देख लो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। मैं दोबारा सारे स्टेप्स एक बार करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। रेडियस स्फेरिकल बॉडी का हमने पहले अर्थ को स्फीयर माना था, उसका आर लिया था और आर को लेकर जी की वैल्यू आपने निकाली थी, जी एम अपॉन आर का स्केयर। मैं अगर पोल्स पे जी निकालना चाहूं तो आई विल राइट जी एट पोल्स, इट इज जी एम अपॉन पोलर रेडियस का स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर जी की वैल्यू इक्वेटर पे आएगी, जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्केयर। इसको वन, इसको टू कह दें, वन को टू से डिवाइड किया। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे जी एट पोल, जी एट इक्वेटर, पहले मैं जी एट पोल लिख रहा हूं, ये है जी एम अपॉन आर पोल का स्केयर डिवाइडेड बाई जी एम अपॉन आर इक्वेटर का स्केयर। रुक जाइए, पहले इसको सीधा कर लें रिलेशनशिप को, फिर काटते हैं। ये आ जाएगा जी एम अपॉन आर पोल का स्केयर, इसको उल्टा कर दें, डिनोमिनेटर में है ना, ये आ जाएगा आर इक्वेटर का स्केयर अपॉन जी एम, जी एम से जी एम कट गया और आपके पास क्या बचा, जी एट पोल, जी एट इक्वेटर, आर इक्वेटर का स्केयर, आर पोल का स्केयर। ठीक है, इसको हमने लिखा आर इक्वेटर आर पोल, इसका सारे का स्केयर। आपको तो सारा आ गया भाई, इट इज मोर देन वन। इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, जी की वैल्यू पोल पे, इट इज मोर देन जी की वैल्यू इक्वेटर पे, ये आ गया आपके पास। बच्चों समझ आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप उठ जाइए पुत्र, वेट क्या होता है ना? ना 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 ना, देखो कितनी,
बैठिए। गुड, ये पॉइंट नोट करने वाला है, हम धरती पे खड़े हैं, हमें धरती कितनी फोर्स के साथ खींच रही है और वो फोर्स न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है? अरे वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुई ना, मैं फोर्स कह रहा हूँ। मैम अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मैटर। हाँ किसके बराबर है वो? अरे नहीं भाई हमारा देखो फोर्स, एक मिनट आप ठीक बोल रहे हो, आप काफी नजदीक हैं, आइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ और रुक जाओ जरा, उसी के बराबर मैं करने जा रहा हूँ। सर वेट इज फोर्स एक्टिंग ऑन मैटर। एफ इज एम इन टू ए होता है, ए किसके बराबर है यहाँ पे? एफ इज इक्वल टू एम जी हो गया, इसी को वेट कहते हैं, इसी फोर्स को तो वेट कहते हैं, भूल गए थे, आपको याद दिलाना पड़ता है, एक हफ्ते के बाद की हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यस हाँ जी, रोज होना चाहिए है ना, फिर आपका सिलेबस थोड़ा रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा एक महीने में, फिर क्या करेंगे? हाँ इधर ध्यान दो जरा, इधर ध्यान देना, ओ इधर देखो गुड़िया जरा, इसको इस रिलेशनशिप को दोनों तरफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स, ये आ गया मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, ये पूरी टर्म क्या बन गई? किसका? कहां पे? पोल पे, बिल्कुल ठीक। और ये क्या बन गया? यस, ये साइन इसके साथ मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको ले रहा था, इक्वेलिटी साइन नहीं था। इस इक्वेशन में दोनों तरफ हमने ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपको लग रहा है तो आप काट दो दोनों को, आप वापस इस पे पहुंच जाओगे, राइट? क्या मेरी बात सुनिए ध्यान से, एक मिनट, ये आप दोनों बच्चे बैठे हैं, ठीक है, एक बुक आपको भी दे दी, वही बुक आपको भी दे दी, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, आपका मन बराबर ही खुशी है, बराबर ही है आपका, अगर एक को बुक दे दें दूसरे को नहीं दें, फिर मन में आएगी उसको बुक दे दी मुझे नहीं दी। अब ये जी है, जितना एक को मल्टीप्लाई किया उतना दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, है कर दिया अपनी मर्जी से किया है, हमें कुछ और रिलेशनशिप बनाना है इसलिए किया है। चलें आगे, इसको क्या लिखें अब? हाँ जी, इसको लिखेंगे वेट, वेट एट द पोल्स इज मोर देन वेट एट द, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, आपके पास 1 किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है? मास का, बहुत बढ़िया। आप इक्वेटर पे गए हुए थे कुछ काम, वहां पे आपने 1 किलोग्राम शुगर परचेज की, मास मतलब 1 किलोग्राम। अब आप यहां से धीरे धीरे चल पड़े पोल की तरफ, नॉर्थ पोल पे आप पहुंच गए, उस 1 किलोग्राम शुगर का वेट यहां से कंपैरेटिवली यहां पे जब आप पहुंचोगे बढ़ जाएगा, क्यों? इसके अकॉर्डिंगली। अरे हुआ है, ये हो रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना इक्वेटर पे होगा जब आप पोल्स पे चले जाओगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मैं वेट कह रहा हूं मास नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जी बढ़ गई वहां पे, वहां में एक मिनट सुनिएगा, सिंपल बात है, वहां पे अर्थ ज्यादा खींच रही है इन कंपैरिजन टू एट द इक्वेटर, दैट्स व्हाई द वेट विल बी मोर, समझ आ गई? वहां पे अर्थ ज्यादा जोर से खींच रही है,
इक्वेटर पे कम जोर से खींच रही है, थोड़ा सा फर्क है, तो वहां पे वेट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, मास सेम रहेगा। लेकिन हम ऐसा थोड़ी करते हैं, हम तो वो मास को मास नहीं लेंगे, वहां पे वेट थोड़ी बना के बैठ जाएंगे, ऐसा ही है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनिएगा, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, वेट इज द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। मास किलोग्राम में होता है, वेट न्यूटन में होता है। मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। ये पॉइंट्स हैं बड़े जरूरी, पेपर में बड़ा सवाल आता है आपको कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, चार पॉइंट लिख के बताइए, तो आपको आने चाहिए ये। यस, ये चौथा पॉइंट यही था, मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, वेट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। याद रखिएगा, चार पॉइंट्स हैं, चारों आपको लिखने होते हैं जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, राइट? कोई शक किसी बच्चे को? हाँ बोलो। यस, रेडियस आपका, यस, चलें आगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, प्लीज रिपीट द डिफरेंसेस इन मास एंड वेट। मैं लिखवाऊंगा बाद में, अभी तो मैंने वैसे ही बोले हैं, आपको प्रॉपरली लिख के कराऊंगा, अभी वेट कर लीजिए, थोड़ा और काम करने वाला है, राइट? क्या कहता है 11 रोल नंबर? वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। वेरिएशन ऑफ स्मॉल, पुत्र ध्यान दो भाई, इधर बस करो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जब आप अर्थ की सरफेस से हाइट पे चले जाते हैं तो जी कैसे वेरी करता है, आइए देखें, सोचें, समझें और करें, और बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। और ये गुड़िया कौन है? बी एक्टिव इन द क्लास, जाओ पानी पी के आओ, फटाफट आओ, पानी पियो बेटे, कोई बात नहीं, जाओ पानी पिलाओ इसको, फिर ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, राइट? अर्थ का मास आपको याद है कि भूल गए? 9.8 कौन बोला? मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, आप थोड़ा सा ना अपने मन पे काबू रखा करो, 6 × 10^24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ द अर्थ, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर काबू रखा करो, आप काफी एनर्जेटिक हैं, आप काफी टैलेंटेड हैं, काफी होशियार भी हैं, लेकिन ये चीजें पेपर में शो किया करो, क्लास में नहीं। अरे नहीं भाई, ये तो फिर ऐसे गलत हो जाएगा ना। हाँ वो आप पहले ही बता दो, फिर हम कर देंगे, है ना, ऐसे नहीं होता, इट नेवर हैपेंस। आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो, आपकी एग्जांपल ले रहे हैं, आपने और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे आपने निकाला था जी जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी एम अपॉन रेडियस के स्क्वायर के बराबर आपने निकाला था। ये तो गलत हो गया था, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसको पढ़ के आइए।